अस्सलाम वालेकुम मिड क्लास, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस एक्टिव एंड पैसिव। ओके, फर्स्टली हम जो है एक्टिव सेंटेंस करेंगे। ओके, फर्स्टली जो है आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस सेंटेंस इन उर्दू। रहा था, रही थी, रहे थे उर्दू सेंटेंस के लास्ट पे आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको जो जिसके ज़रिए पता चलेगा वो टाइम है। ठीक है, टाइम का जो है टाइम को इसमें डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, यानी इसमें दो तरह से टाइम को डिस्क्राइब किया जाता है, वक्त की मुद्दत यानी क्वांटिटी पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम बताया जाता है इसमें एंड एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, या आप कह सकते एग्जैक्ट टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एग्जैक्ट टाइम के लिए पॉइंट ऑफ टाइम जो है इसमें बताया जाता है। ठीक है, दो तरह से पीरियड ऑफ टाइम एंड एग्जैक्ट टाइम। ठीक है, इसके जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं और जो एग्जैक्ट टाइम है यानी मुकर्रर वक्त है उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। अब कैसे यूज़ करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर, फॉर हम यूज़ करेंगे जहाँ पे आ जाए 3 घंटों से, 8 महीनों से, कई साल से, कई सदियों से। ठीक है, हमें क्वांटिटी जो है बता दी, पीरियड बता दिया है 3 महीने, 8 महीने, कई साल से। ठीक है, तो वहाँ पे हमने याद रखना है, हमने फॉर लगाना है। ठीक है, और वहाँ सिंस वहाँ लगेगा जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम बता दी। एग्जैक्ट टाइम मतलब सुबह से, शाम से, रात से, हफ्ता यानी सैटरडे। ठीक है, सैटरडे अक्टूबर से 2003। ठीक है, हमें उन्होंने एग्जैक्ट टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो बता दिया है, तो हम वहाँ पे सिंस लगाएंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट है हैड बीन, हम हैज़ अ हेल्पिंग वर्ब इस सेंटेंस में, पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में हम यूज़ करेंगे हैड बीन सबके साथ, सब नाउन प्रोनाउन। ठीक है, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, कोई भी नेम, फॉर एग्जांपल अली, एंड कोई भी एनिमल नेम ले लें, कैट, ओके, कैट वगैरह, हम सबके साथ जो हैड बीन ही सिर्फ यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट जो इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे क्योंकि कॉन्टीन्यूस भी इसमें आ रहा है। ठीक है, परफेक्ट की वजह से हमने हैड यूज़ किया, कॉन्टीन्यूस की वजह से हम जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ करेंगे। ठीक है, आईएनजी वाले फॉर्म यूज़ करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चर जब समझ में आ जाएगी तो आप इजीली इसको कर सकेंगे। सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारे जैसे मैंने आपको बताया प्रोनाउन नाउन जो भी हमारे, ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, अली, कैट, कोई भी आपका जब सब्जेक्ट होगा उसके बाद आप लगा, उसके बाद हम लगाएंगे हैड बीन, उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट पे अकॉर्डिंग टू टाइम हम फॉर और सिंस यूज करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम, अगर जैसे इधर मैंने अभी आपको बताया 3 घंटे, कई सालों से, कई महीनों से, 8 महीनों से, तो वहाँ पे हम सिंस सॉरी फॉर यूज़ करेंगे। और जहाँ पे हमें एग्जैक्ट टाइम बता दिए 2003 सुबह से, शाम से, रात से, अक्टूबर से, ठीक है, फ्राइडे से, सैटरडे से, कुछ भी आप लगाएं, तो वहाँ पे सिंस लगाएंगे। लेट्स सी द एग्जांपल, मैं 1 घंटे से पढ़ रहा था, 1 घंटे से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर, ठीक है, 1 आवर है, 1 घंटा, फॉर 1 आवर। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, वो सुबह से कपड़े धो रही है, सुबह से कपड़े धो रही है, तो ठीक है एग्जैक्ट टाइम हमें सुबह का पता चल गया, क्या करेंगे, शी हैड बीन वॉशिंग
क्लोथ्स सीन्स मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम कई साल से यहाँ रह रहे हैं। वी हैड बीन लिविंग, सेकेंड जो आपकी फर्स्ट फॉर्म ING के साथ, लिविंग हेयर कई सालों से। हमें नहीं पता कौन से साल, तो हम एग्जैक्ट टाइम नहीं, टाइम पीरियड सिर्फ हमें दिया है। तो फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है, वो अक्टूबर से क्रिकेट खेल रहे हैं। अक्टूबर से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या करेंगे? दे हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस अक्टूबर, अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर के जो है, हम ऐसे लिख लेंगे। इस तरह से हम जब हमने स्ट्रक्चर को फॉलो किया जो हमने बताया था, तो हमने जब फॉलो किया तो हमने इजीली जो है अपने सेंटेंस मेक कर लिए। नेक्स्ट जो है हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम करेंगे, हम जो नेगेटिव सेंटेंस करेंगे उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमने लिया हुआ हैड बीन, हैड बीन के मिड में हम नॉट लगाएंगे, ठीक है, हैड नॉट बीन। फिर हम अपना जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस ING ऑब्जेक्ट और अकॉर्डिंग टू टाइम फॉर और सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है। हम करते हैं एग्जाम्पल, लड़कियां सुबह से कपड़े धो नहीं रही। द गर्ल्स हैड नॉट बीन वॉशिंग वॉशिंग द क्लॉथ्स, ठीक है, द गर्ल्स हैड नॉट, ठीक है, हैड के बाद नॉट, बीन से पहले नॉट, हेल्पिंग वर्ब जो हमारा हैड नॉट, हैड बीन है, उसके मिड में हमने नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव सॉरी नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, आप 2 घंटे से अखबार नहीं पढ़ रहे, तो हम क्या करेंगे, यू यू लगाएंगे आप, ठीक है। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हैड यू, नेगेटिव हम बना रहे हैं, यू हैड नॉट बीन, ठीक हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर, ठीक है, यू हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर। अब टाइम क्या है, 2 घंटों से, ठीक है, सिर्फ 2 घंटे, यानी टाइम पीरियड हमें उन्होंने बता दिया है, एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया, फोर लगेगा, अकॉर्डिंग टू टाइम 2 घंटे, 4 2 आवर्स, यू हैड नॉट बीन रीडिंग द न्यूज़ पेपर फॉर 2 आवर्स। अब जो है हम इंटरोगेटिव इस तरह इंटरोगेटिव करेंगे, हमने नेगेटिव पहले किए, ठीक है, नेगेटिव के लिए आपको जैसे बताया हैड नॉट बीन यूज़ करेंगे, तो इस तरह से मिड में जब हेल्पिंग वर्ब के नॉट लगाएंगे, तो इस तरह हमारे इन जो है नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। अब जो हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंटरोगेटिव यानी जो है क्वेश्चन वाले जो सेंटेंसेज है, हम वो करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम हेड लगाएंगे, स्ट्रक्चर देखते हैं, हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको फॉलो करेंगे तो आपके बन जाएंगे सेंटेंस, हेड लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हेड जो है हम बाहर लेके जाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू टाइम हम सिंस और फॉर यूज करेंगे, ओके। अब हम लेट्स सी द एग्जांपल,
क्या वो शाम से गाना गा रही थी? क्या वो शाम से, हैट लगाया ठीक है, प्लस उसके साथ शी सब्जेक्ट, हैड शी बीन सिंगिंग आ सॉन्ग शाम से, सीन्स हमें टाइम पता है एग्जैक्ट, सीन्स इवनिंग ठीक है, हैड शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस इवनिंग ठीक है, इस तरह से करेंगे। उसके बाद आमना 1 बजे से क्यों रो रही है ठीक है, क्यों, क्यों वाले वर्ड आ गया, मीन्स ये WH वर्ड यानी डबल इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है, इसमें हमने WH वर्ड यूज़ करना है, तो कैसे करेंगे, हैड क्यों है, वाई, उसके साथ फिर हमने इसी तरह स्ट्रक्चर को फॉलो करना थी, हमने सिर्फ इसके आगे WH वर्ड कोई भी हो, विच हो गया, वाई हो गया, व्हाट हो गया, हु हाउ हु हम यूज़ करेंगे ठीक है, इसी तरह जो भी वेयर वर्ड है, जो भी हुज हुम हम यूज़ करके, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट बी जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट और लास्ट पे अकॉर्डिंग टू टाइम सिंस और फॉर लगाएंगे ठीक है। तो वाई हैड आमना बीन वीपिंग, वीपिंग वाई हैड आमना बीन वीपिंग अकॉर्डिंग टू टाइम सिंस, हम एग्जैक्ट टाइम बता, सिंस 1:00 नहीं सॉरी, हम इधर 4 लगाएंगे ठीक है, हमें एग्जैक्ट पता नहीं कि कौन से 1 बजे ठीक है, 4:01 o'clock। क्या मैं शाम से पढ़ रही थी, क्या मैं शाम से पढ़ रही थी, तो उसी तरह हैड आई बीन रीडिंग सिंस इवनिंग, सॉरी इवनिंग उधर लिख लेते, इवनिंग हैड आई बीन रीडिंग सिंस इवनिंग ठीक है, लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारे इंटरोगेटिव, हमने ये स्ट्रक्चर फॉलो किया तो इस तरह से हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गए। जब हम एक्टिव करेंगे तो जो एक्टिव और पैसिव होते हैं, एक्टिव पैसिव प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के, वो सिर्फ एक्टिव सेंटेंस होते हैं, पैसिव नहीं होते ठीक है, तो हमने इसके एक्टिव सेंटेंस कर लिए, और पैसिव नहीं होते तो हम नहीं करेंगे ठीक है। आपने क्या करना है, इसकी जो है एटलीस्ट इसके 15 सेंटेंसेस आपने अपनी नोटबुक पे जो है वो इसके करने हैं ठीक है, तो इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगी ठीक है। आज का आपका इतना ही लेसन है, अल्लाह हाफिज़।